Hey, how's it going everyone? My name is Smarty Bar. आज मेरे पास एक बहुत ही मस्त आइडिया है। तो तुम लोगों को पता है कि 1.17 को रिलीज होकर लगभग कुछ हफ्ते हो चुके हैं और इस वर्जन के अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप के जानवर ऐड किए गए हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलर टाइप का ऐसा जानवर है जो कि लाइक लिटरली यूजलेस है। आई मीन ऑलमोस्ट सारे ही यूजलेस है, बट ये वाला भाई कुछ ज्यादा ही यूजलेस है, जिसका नाम है एक्सोलोटल। इसका काम क्या है भाई? देखो, पानी के बीच इसको डाल देंगे तो भाई और जानवरों को मारता है, एंड आई गेस दैट्स इट। मतलब इसका काम इतना ही है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ खूनी दरिंदा है, दैट्स इट। तो मैंने अपने असिस्टेंट मिस्टर फ्लानर्स जी को बोला कि भाई आज तू मुझे एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर स्पॉन करवा जहां पर एक्सोलोटल सबसे ज्यादा काम के मॉब होने वाले हैं। मतलब आज हम लोग जैसे एक्सोलोटल को मारेंगे उसके अंदर से ओपी आइटम्स ड्रॉप होने वाली है गाइस, और इसी की हेल्प से आज हम लोगों को एंडर ड्रैगन को मारना है इस वर्ल्ड के अंदर। तो कैसा, अगर तुम लोग नए हो चैनल पर, इसी टाइप का कंटेंट पसंद आता तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। इस वीडियो का लाइक है पूरे 150,000 लाइक्स 7 घंटे में। मुझे पता है कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, बट लेट्स सी। एंड गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय द वीडियो। और गाइस, तो ये है हमारा वो वाला वर्ल्ड जहां पर एक्सोलोटल्स बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो गाइस, एक्सोलोटल्स को आज हम लोग ढूंढने के लिए जा रहे हैं ना, तो इनको ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज एक्सोलोटल्स हमारी जो नेचुरली स्पॉन होती है इस वर्ल्ड के अंदर, वो स्पॉन होती है गाइस समुद्र की गहराइयों में, जहां पर लिटरली लाइट का लेवल जीरो होता है हमारा। मतलब इन एक्सोलोटल्स को बिल्कुल भी लाइट पसंद नहीं है। मतलब आज हम लोग गाइस जाने वाले समुद्र की गहराई में, नीचे एकदम खोपचे वाली गुफाओं के अंदर, एंड वहां पर एक्सोलोटल्स को ढूंढने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है और साथ ही साथ थोड़ा सा डरावना भी है, बिकॉज मैंने सुना है कि एक्सोलोटल्स भी काटती भी है। आई मीन, ये सिर्फ जानवरों पे हमला करती है या फिर हम पे भी हमला करती है वो मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। लेकिन सच बताऊं तो मैं डरे हुए से ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, बिकॉज अभी तक एक भी बार पर्सनली गाइस इन एक्सोलोटल्स के साथ मेरा 1-on-1 मुकाबला हुआ नहीं है। मतलब मैंने कभी भी सर्वाइवल वर्ल्ड में इन एक्सोलोटल्स को ढूंढा नहीं है, आज मैं फर्स्ट टाइम पे ढूंढने वाला, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड समुद्री एक्सपेंडिचर पे। तो मैं सोच रहा हूँ भैया थोड़ी सी सेफ गेम खेली जाए, तो यहाँ पर मैं अपने लिए पूरी 2 बोट्स बनाने वाला हूँ। दैट्स इट, चला जाएगा समुद्र के अंदर एक्सोलोटल्स को ढूंढने के लिए। अभी 1 सेकंड, सबसे पहले मुझे वहाँ पे एक रुइंड पोर्टल मिल चुका है ना, अगर मुझे इसके अंदर कुछ आयन वन मिल जाएगा ना भाई, मजे पड़ जाएंगे यार कसम से। ओ व्हाट द हेल, पहली एक्सोलोटल दिख चुकी है मेरे को। ओ माय गॉड, 1 सेकंड, यहाँ पे लाइट का लेवल कितना है भाई? यहाँ पे लाइट का लेवल लिटरली 0 है। ओके, अबे ड्राउन मेरे पीछे पड़ गया। 1 सेकंड रुको, ये एक्सोलोटल क्या इस ड्राउन के ऊपर हमला करेगी? नहीं, वहां पर चुपचाप से खड़ी है, तू किसी काम की नहीं है। मुझे लगा था हमला करती है इनके ऊपर। दिस इज सो एक्साइटिंग, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही पड़ी और एक्सोलोटल पहले ही मिल चुकी है। ओके, मैसेज पहले नीचे जाने वाला, प्लीज मुझे एटलीस्ट 3 आयन के इंगट मिल जाए। कुछ भी नहीं मिला भाई, शवल है यहाँ पर भी 2 रखी हुई है। यार क्या बात कर रहे हो यार, आज मेरे किस्म में शवल ही शवल लिखी हुई है। ओके एक्सोलोटल, मैं तेरे को पकड़ने के लिए आने वाला हूँ अभी। थोड़ी सी किस्मत हमारी अच्छी, बिकॉज एक्सोलोटल ऑन द स्पॉट मुंह के सामने दिखे। ब्रो, मैं अपने लिए यहाँ पर अभी बनाने वाला हूँ ये ओवरऑल 6 दरवाजे, बिकॉज हम लोग जाने वाले हैं नीचे समुद्र की गहराइयों में आयन ढूंढने के लिए। ओके लेट्स गो, यहाँ पर एक रिवीन है। ओ वहाँ पर एक और है। ओके, मुझे 2 की 2 मिल चुके, देखो नीचे यहाँ पर रिवीन भी है। दैट्स जस्ट परफेक्ट ब्रो, यहाँ पर इसको करेंगे एंड यहाँ से अंदर जाएंगे सांस लेने के लिए। ऑल राइट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दिस इज नाइस। 1 सेकंड, ये रॉ आयन को देख के तुम लोगों को रॉ चिकन की याद नहीं आ रही है? बस ऐसा लग रहा है कि चिकन को थोड़ा सा लाइक पेंट कर दिया हल्का हल्का सा। यहाँ पर चलेंगे गाइस, एंड यहाँ पर एक और दरवाजे को मैं खोलने वाला हूँ ताकि मैं यहाँ पर बहुत सारा कोल निकाल सकूँ। यस, आई गेस इट्स टाइम। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी फर्नेस के अंदर डालने वाला हूँ इनको, और इनको पका कर फटाफट यहाँ पे आयन के इंगेट्स बनाते हैं। आज हम लोग जितना भी काम करने वाले हैं वो सारा का सारा समुद्र की गहराइयों में करने वाले, मजा आएगा यार गजब से। सो भैया, मैं अभी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 2 पानी की बकेट्स बनाने वाला हूँ। ओके, और इसको तोड़ के अपने साथ चलते हैं ब्रो। और मैं इस दरवाजे को भी नहीं छोड़ने वाला भाई, मजाक हो रहा है क्या? एक्सोलोटल्स, हेलो एक्सोलोटल्स, कहाँ गए हो आप? वो दिख गया मेरे को भाई, मेरा पहला एक्सोलोटल। यार रुक जा, मैं थोड़ी सांस लेकर आता हूँ एक बार यार ऊपर से। भाई गॉड, इस इलाके में बहुत सारी ड्राउंड्स है यार। ओ माय गॉड, इस बदसूरत ने वहां पर उस एक्सोलोटल को मारा। एंड जस्ट चेक दिस आउट गाइस, एक्सोलोटल ने मेरे लिए क्या ड्रॉप करके दिया यहाँ पे, बहुत ही काम का सामान।
भाई अभी तक तो मैंने कुछ मारा भी नहीं था यार इनको यार, पहले ही मेरे को यहाँ पे टॉप ही सामान मिल चुका है। एक नेदरराइट के होए दी है इसने, एक टोटम ऑफ अंडाइंग दिया है एंड साथ ही साथ 64 वुल्फ के स्पॉन एग्स दिए हैं। ओके आई डोंट नो कि मुझे 64 वुल्फ के स्पॉन एग्स की जरूरत है भी कि नहीं है, लेकिन अब एक एक्सोलोटल ने भाई अपनी जान गवाई है तो भैया मतलब मैं वेस्ट नहीं कर सकता ना यार, मैं काम जरूर करेगा इसके साथ। तू इधर आ भाई, आजा मेरा बेटा इधर आजा, भागना नहीं है। Yes, the cutest predator. Oh my God, सच्ची में देखो इसको कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। इस पानी के अंदर भर दिया इसको मैंने यार। Alright, दूसरी पानी के बगैर नीचे निकालते हैं। देखो गाइस, अब मैं एक एक करके इनको ढूंढने वाला नहीं हूँ और इनको मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो तो भाई सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, दो एक्सोलोटल्स को पकड़ कर ना कहीं साइड में लेके जाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद उनकी ब्रीडिंग वगैरह करवा कर एक बहुत ही बड़ी फैमिली बनानी पड़ेगी, बेसिकली फार्मिंग करनी पड़ेगा एक्सोलोटल्स की। एंड उसके बाद गाइस हम लोग करने वाले हैं मर्डर, समझ रहे हो ना तुम लोग, दिस इज इंपॉर्टेंट ब्रो। ओके तो बड़ी मुश्किल से तो मुझे भाई यहाँ पर दो एक्सोलोटल्स मिले थे, अब एक एक्सोलोटल का तो ऑलरेडी यहाँ पर मर्डर हो चुका है, अब दूसरे वाले को ढूंढने के लिए मेरे को एक्चुअली अब जाना पड़ेगा कहीं दूर यार। आई एम सो डिसअपॉइंटेड सीरियसली। एंड गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर एक ऐसी जगह पे जहाँ पर हमें वो कोरल रीफ मिलती है, बिकॉज कोरल रीफ के पास गाइस हम लोगों को मिलती है बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की मछलियाँ जिसका नाम है गाइस ट्रॉपिकल फिश। बिकॉज अगर इन एक्सोलोटल्स की ब्रीडिंग करवानी है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल फिश के साथ होती है, अदरवाइज नहीं होती है। मतलब ये लोग ऐसी छोटी मोटी मछलियाँ कॉड कूड को नहीं खाती भाई, इनको सिर्फ ट्रॉपिकल फिश पसंद है जो कि बहुत रेयर है ब्रीडिंग करने के लिए। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं कोरल रीफ के पास, यहाँ पर मिलने वाली वो ट्रॉपिकल फिशेस। भाई मैं बहुत ज्यादा देर से लेके ट्रैवलिंग कर रहा था यार, फाइनली मिली गया आखिरकार, चलो बढ़िया। अब ऐसे करते हैं ना गाइस, सबसे पहले अपनी शिप को मैं यहाँ साइड में लगाने वाला हूँ, मेरे को चाहिए बहुत सारा आयन। ओके बहुत सारा आयन चाहिए, ट्रॉपिकल फिशेस को भी पकड़ना है, फिर साथ में एक्सोलोटल को भी पकड़ना है, आई मीन बहुत सारे आयन की जरूरत है, कोई गुफा मिल जाएगी आसपास तो मजा आ जाएगा यार। ओके खाने की भी कमी हो रही है, आ जाओ सर जी आ जाओ, आपको मैं मार के अपना पेट पूजा कर लेता हूँ। ओके परफेक्ट गाइस, एक रिवीन मिल चुकी है, बहुत सारा आयन मिल जाएगा यहाँ से मेरे को, नाइस। डायरेक्ट मारने वाले हैं छलांग नीचे के लिए, लेट्स गो। बहुत सारा आयन है यहाँ पर, यस। और फटाफट अपने लिए मैं यहाँ पर बहुत सारी बकेट्स वगैरह बनाने वाला, उसके बाद पकड़ेंगे बहुत सारी मछलियाँ, उसके बाद पूरा का पूरा इनका इतना बड़ा फार्म बनाएंगे भाई साहब की मजा ही आ जाएगा देखकर। और सच्ची बता रहा हूँ मुझे इतने सारे आयन को निकालने की गाइस बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लाइक लिटरली मैंने पता नहीं कि इतने सारे आयन को निकाल दिया यहाँ पर, बिकॉज मैं अपने लिए आज कोई भी आयन का आर्मर नहीं बनाने वाला गाइस, बिकॉज एक्सोलोटल्स को मारने के बाद जो भी चीज मुझे मिलेगी वहां से, जो भी आयन का आर्मर हो, चाहे गोल्ड का आर्मर हो, चाहे जेड़ा मर्जी आर्मर हो, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को पहनने वाला हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पहनने वाला गाइस, हमारे इन चैलेंजेस की यही खास बात है। ओके तो मैं यहाँ पर गाइस ओवरऑल 11 बकेट्स बना सकता हूँ, 11 इज मोर देन इनफ। और अभी यहाँ से चलते हैं बाहर के लिए। ओके गाइस देखो बाहर आ चुके हैं हमारे, ओ अच्छा ये डॉल्फिन थी भाई, मैंने एक सेकंड के लिए खुश हो गया। और वहां पर ना मुझे एक्चुअली गाइस अभी एक ट्रॉपिकल फिश दिखी है, देखो ये है ट्रॉपिकल फिश गाइस, थोड़ी थोड़ी ये भी एक्सोलोटल जैसी ही लगती है, बट दिस इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल फिश। ये देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल है ना, यस बकेट ऑफ ट्रॉपिकल फिश, यस। और अब जाके मुझे समझ आया वो जो हमारा वॉन्डरिंग ट्रेडर जो ट्रॉपिकल फिश लेकर आता है वो एक्चुअली रेयर होती है, और हम लोग उसको ऐसे ही मार देते हैं बेफजूल में यार, लेट्स गो। अब हमारा जो वो कोरल रीफ है वो वहां पर है ना, उसके पास, अच्छा उसके पास देखो गाइस वहां पर एक आइलैंड है, वहां चलते एक बारी। उस आइलैंड के पास गाइस अपना अड्डा बनाना पड़ेगा मेरे को यार अभी, है ना, और इसके जितना नजदीक बना सकता हूं उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा सिरदर्दी होने वाली है अभी। ओके इसको मैं यहाँ पर एक से ज्यादा हाइट का बनाने वाला, और जितने भी फॉलिंग सैंड्स है ना भैया ये सब हटाने वाला हूं यहाँ से मैं। गलती से भी मेरी एक भी मछलियां का सफोकेट करके मर गई ना, जो भैया मेरे को दुख होगा भाई उसके बाद क्या ही बोलूं। ऑलराइट इसको मैंने यहाँ पर गड्ढे को बना दिया है 2 हाइट वाला, इसको यहाँ डाल देते हैं, थोड़ा बहुत मैं पानी और लेकर आता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास बहुत ही फालतू का सामान पड़ा हुआ है, फिलहाल को मैं सब फेंकने वाला हूँ। ओके सारा का सारा फेंक दिया है, उठाओ भाई जितना पानी उठा सकते उठाओ। और मेरी ट्रॉपिकल फिश मरियो मत ट्रॉपिकल फिश, अच्छा पानी तो फैल चुका है यहाँ पे ना, नाइस। इसको मैं ऐसे करके हर जगह पे डालने वाला है। ओके जितना भी पानी मैं लेकर आया हूँ वन टाइम पे उसको यहाँ पर डालते हैं, इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाते हैं हमारी मछली आराम से यहाँ पे ताकि सांस ले पाए, नाइस बन चुका है। ओके एंड यहाँ पर हमारी एक एक्सोलोटल है, इसको नीचे डाल देते हैं, लेट्स सी, खाइयो मत इसको प्लीज, अरे तेरा ही खाना, मैं तेरे को दे दूंगा इसको खाने के लिए। इसके बाद यस नहीं खा रही है इसको, गुड एक्सोलोटल, आई लाइक यू एक्सोलोटल, सीरियसली अब आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, अंदर रहना चुपचाप से, मैं आपके बाकी के बंदों को लेकर आऊंगा अभी, इसीलिए यू नो व्हाट, अभी जा रहे हैं समुद्र के अंदर तो क्यों ना मैं अपने लिए यहाँ पर अपना सारा का सारा सामान इधर अंदर डाल के आऊं, जितने की हमें जरूरत नहीं है उन सभी के सभी सामानों को, और मेरी इन्वेंटरी पे यहाँ पे स्पेस बना रहे। ओके भैया जी लेट्स गो, क्या
बात है भैया, आ जाओ ट्रॉपिकल फिश आ जाओ, कमन, ये मैंने पकड़ी है, तू भी आ गई शाबाश। यस, चार आ चुकी है। भाग मत, तेरे भाई बंधु मेरे पास ही है। नो भागिंग, ओके, भागिंग नॉट अलाउड। मुझे भूख लग रही है यार, खाना खाओ फटाफट। आधा शाबाश, शाबाश, मरना नहीं है भाई। अगर मैं भी मर गया, मैं घर से बहुत ज्यादा दूर हूँ, मेरा जो स्पॉन पॉइंट है, और मेरे पे यहाँ पर बेड भी नहीं है फिलहाल को। इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना अगर मैं अभी मरता हूँ ना, कसम से। अगर सही महीने में देखा जाए ना, तो इस एपिसोड में मैं मछुआरा बना हूँ एक्चुअली यार, जहाँ मैं एक्चुअल में यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। ओके, आई एम बैक। इसने मार दिया उसको। अबे यार, नहीं, मैंने यहाँ पर अपनी पीठ क्या घुमाई, तूने उसको मार दिया वहाँ पे यार। क्या यार, ये गलत है यार भाई, ये गलत है यार, मतलब इतनी ये घटिया है भाई तू तो यार। इसका नाम है चंडाली का रखने वालों, तेरा नाम चंडाली का है अभी से, ठीक है? चंडाली का, तू घटिया है, समझ में आ रही बात? चंडाली का तू घटिया मछली है। अबे तेरे लिए ही लेकर आया था उसको मैं खाने के लिए, तुझे क्या लगता है मैंने थोड़ी खाना था उसको? हैं, बेफजूल में मार दिया तूने उसको यार, कमाल कर रही है चंडाली का यार तू तो। अब यहाँ पर अलग से एक पेट बनाना पड़ेगा इनके लिए यार, ट्रॉपिकल फिशेस के लिए। मैं तो सोच रहा था कि तुम लोगों को मैं साथ रखूंगा, बट नहीं भाई, तेरे को मैं अकेला ही रखने वाला। तू सच्ची में कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है यार, और तो कुछ नहीं है। देखो, इसको पता चल चुका है यहाँ पर खाना आ चुका, तो इधर जाने की कोशिश कर रही है। चंडाली का बदसूरत, उधर ही रह चुपचाप से, समझी? गलती से भी अगर तूने एक और को मारा ना भी बेटा, तेरे को छड्डूंगा नहीं मैं। सारी की सारी मछलियाँ चलो यहाँ पर जाओ, ओके, मैं आऊंगा भी थोड़ी देर में वापस तुम लोगों के लिए, और तू चुपचाप से इधर ही बैठी रही, समझी, कोने में चंडाली का। ओके चंडाली का जी, बात ऐसी है, अभी जा रहा हूँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने के लिए, और जब मैं वापस आऊंगा, अगर एक भी मछली यहाँ से गायब हुई ना, मैं कसम खा रहा हूँ मैं तेरी यहाँ पर बैंड बजा देने वाला बुरे तरीके से, समझी? चुपचाप से कोने में ये बैठी हुई। यहाँ पर ऐसा करते हैं, बहुत सारी टॉर्चेस वगैरह लगा के रखते हैं, ताकि फालतू के मॉन्स्टर्स वगैरह यहाँ पे स्पॉन ना हो जाए यार। ओके गाइस, अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ एक्सोलॉटल्स के लिए, ठीक है? बिकॉज अभी है गाइस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सोलॉटल। अब उस एक एक्सोलॉटल से मैं यहाँ पर मल्टीपल एक्सोलॉटल तो बना नहीं सकता ना। अब अगर इनकी फैमिली खड़ी करनी है, तो एक से ज्यादा की जरूरत तो पड़ेगी ना। अब मैं यहाँ पर रुका हूँ गाइस थोड़ा बहुत मर्डर करने के लिए, बिकॉज मेरे को यहाँ पर खाना खाने की जरूरत है यार, खाने की कमी हो रही है। ओके, इसी कोरल रीफ के आसपास मैं यहाँ पर ढूंढना चाहता कोई गहरी सी रिवीन, ऐसा खोपचा मिल जाएगा ना, अंदर चले जाएंगे तो अपने आप ही मिल जाएगी ये। एक सेकंड, डॉल्फिन लेके जा सकते क्या हमें उसके ऊपर? नहीं, डॉल्फिन तो कैसे लेके जाएगी ना यार, डॉल्फिन सिर्फ उसे ट्रेजर के पास लेके जाती है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी कोरल रीफ है कसम से, और ये एक्चुअली बहुत अनोइंग है, बिकॉज़ यहाँ पर लाइट का लेवल बहुत ज्यादा है, यहाँ पर वो स्पॉन ही नहीं हो सकते एक्सोलॉटल्स। बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में दो एक्सोलॉटल मिल गई थी मेरे को यार, वहाँ पर किस्मत खराब इतनी थी कि उसको मार ही दिया उन लोगों ने। देखो यहाँ पर एक रिवीन है ना, तो भैया मैं एक बार नीचे आने वाला हूँ, लेट्स गो इनसाइड द रिवीन, प्लीज। ओ, दिख गई, मैंने क्या बोला था, आजा मेरा प्यारा, शाबाश। अबे यहाँ पे तो वो भी है ग्लोइंग वाला, ऊपर चल, जल्दी, मरिए मत प्लीज, जल्दी आ रहा, शाबाश। ओके, मुझे एक और एक्सोलॉटल दिखी है, जितनी ज्यादा ले सकता भाई मैं लेने वाला हूँ। ओ नो, मुझे पानी भर के रखना पड़ता है एक्चुअली, आई फॉरगॉट। नो, इसका मतलब वो वाली जो हमारी एक्सोलॉटल थी, ये देखो भाई यहाँ पे घमासान युद्ध होता हुआ, मार इसको एक्सोलॉटल, शाबाश। रुको, मेरे पास एक प्लान है, इधर आ तू बेटे, इधर आ तू एक बारी, तेरे को मेरा एक्सोलॉटल मारेगा, मार इसको एक्सोलॉटल, कमान मारा इसको एक्सोलॉटल, मार इसको, शाबाश, मार, शाबाश। तू अच्छी है भाई, एक मेरे घर में पड़ी हो चंडाली का है वो, तू अच्छी है कसम से। चल तेरा काम मैं ही कर लेता हूँ यार, तू टेंशन मत ले, है ना। ओ माय गॉड, इसी ने मारा इसको, तू तो मेरे साथ चलेगी, आजा, शाबाश। बोला ये कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है भाई, ये यार देखो तुमने कितनी क्यूट लग रही है यार, पर एक्चुअली इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा खूनी दरिंदा भरा हुआ है यार कसम से। दो मेरे पास आ चुके हैं, अगर दो और मिल जाएंगे ना गाइस, तो चार ओवरऑल आ जाएगी मेरे पास, जिससे मैं दो फैमिलीज एट वन टाइम स्टार्ट कर सकता हूँ, जिससे हमारा बहुत टाइम बचने वाला है। उफी, एक्सोलॉटल्स इतनी ज्यादा रेयर होती है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में। भाई मेरे पास ये दो ही आई है, अब इन्हीं दो से काम चलाना पड़ेगा। वो रहा मेरा प्यारा छोटा सा आईलैंड, यस, एंड लेट्स सी, हमारी चंडाली का इधर ही है, और हमारी मछलियां भी एकदम सेफ है, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। लो भाई, ट्रॉपिकल फिशेस, अंदर जाओ तुम लोग, तू भी अंदर चल और तू भी अंदर चल, शाबाश। और ये है गाइस हमारी एक और एक्सोलॉटल, ये अब देखो भाई, ये तो चंडाली का, इसका नाम मैं रखने वाला हूँ मंजुली का। ओके, चंडाली का एंड मंजुली का साथ साथ खेलो, शाबाश, प्यार हो गया भाई इन दोनों का एक दूसरे से। एक सेकंड, ये चंडाली का, ये मंजुली का, तो दोनों के दोनों लड़कियों के नाम हो गए ना यार। अब लड़कियों के दोनों नाम होंगे तो भाई परिवार कैसे स्टार्ट होगा इनका, राइट?
तो मैं इसका नाम रखने वाला हूँ प्रेम, क्योंकि बहुत ही अच्छा वाला है, देखो है ना, प्रेम हो गए इन दोनों को भाई एक दूसरे से। ओ भाई क्या कर रहे हो भाई, रुको दो सेकंड यार, कमाल कर रहे हो भाई तुम लोग तो। ये चंडाली का बहुत ज्यादा शैतान है, देखो ना इसके आसपास घूम रही है फालतू में, बेचारे प्रेम को यहाँ पे तंग कर रही है। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। अब देखो गाइस यहाँ पर दो हमारे ट्रॉपिकल फिशेज आ चुके हैं, क्या मैं इनको ऐसे खिला सकता हूँ क्या? नहीं रुको, मैं अपना पहले हंगर बार फुल करता हूँ, अब मैं इसको खिला सकता हूँ? नहीं इसको ये नहीं खिला सकता, इसको मैं डायरेक्ट खिला सकता हूँ। आ जाओ भाई, अभी तुम दोनों की यहाँ पे संतानें पैदा होने वाली है, और सबसे पहले तो मैं तेरे को मारूंगा चंडाली का, समझी? तू इसको खा और तू इसको खा। और इसी के साथ गाइस यहाँ पर आने वाले छोटी चंडाली का या फिर प्रेम, लेट्स सी, और देखो इसको कितना क्यूट है, छुटकू प्रेम आ चुका है यहाँ पे, यस आई एम हैप्पी। अब मेरे पास एक प्लान है गाइस, जब तक हमारा ये छुटकू प्रेम बड़ा होता है ना, मैं यहाँ पर और ट्रॉपिकल फिशेज ला के रखता हूँ, इनका खाने का जुगाड़ पूरा रखते हैं, पूरे एक बड़ी फैमिली बनाएंगे, उसके बाद करेंगे गाइस मर्डर। ओके समझ रहे हो ना तुम लोग, स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे अच्छा बन के दिखाएंगे, बुरे काम हम लोग बाद में करने वाले हैं। ओके जितनी भी बकेट थी सारी की सारी फिल करके आ चुका भाई खाने के साथ। हाँ जी चंडाली का एंड मंजूली का जी, एनी प्रोग्रेस विद द बच्चा? अभी भी छोटू ही है ये यार, इतनी देर होगी मेरे को यहाँ पे, आई थॉट कि अभी तक तो बड़ा हो गया होगा बच्चा इनका। ओके ये देखो भाई सारी की सारी मछलियाँ ऊपर है, और दो को मैं अपने हाथ पे रखने वाला हूँ, बाकी सारी की सारी अंदर एकदम सेफ है। एंड इसको फटा इस छोटे वाले को खिलाता हूँ ना मैं, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ले छोटू खा ले, इसको भी खा ले तू, शाबाश, और फटाफट बड़ा हो जाए यार प्लीज। जब तक तू बड़ा होता है तब तक मैं सोच रहा हूँ चंडाली का मैं खेल खत्म कर लेता हूँ, एंड देखते ये मुझे क्या ओपी आइटम देती है। मर तेरी ऐसी की तैसी, इधर 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 मर। ओह माय गॉड, वाओ इसने मुझे बहुत कुछ दिया। लेट्स सी हमारी चंडाली का जीने में क्या दे, एक और नेदरराइट का हो दिया, एफिशिएंसी 5 वाली नेदरराइट की पिकैक्स। ओ माय गॉड इस पुराने वाली को फेंकने वाला हूँ मैं, 1.5 स्टैक इसके दिए, और साथ ही साथ लॉयल्टी 1 एंड एक टोटम ऑफ अनडाइंग दिया इसने फिर से मुझे। नाइस, थैंक यू सो मच, दिस इज गुड। ओके अब मेरे को यहाँ पर गाइस बहुत ही पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा इनकी ब्रीडिंग करवाने के लिए, क्योंकि जब तक यहाँ पर बहुत सारे नहीं आते हैं ना तब तक मजा नहीं आएगा यार। बाहर निकलने की कोशिश कर रहे दोनों, बड़े चला के भाई साहब, यार ध्यान रखना पड़ेगा भाई, भाग भूग गए ना ये लोग तो लिटरली यहाँ पर जमीन के ऊपर चलते भी है। ये वाली मछलियाँ बड़ी अजीब टाइप की मछलियाँ भाई, डर ही नहीं है पानी से बाहर निकलने का। Much, much, much later. और गाइस बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, देखो यहाँ पर कितनी सारी मैंने पैदा करवा दी है, एक दो मैं और ढूंढ कर लेकर आया था बीच में, देन उनकी मैंने ब्रीडिंग वगैरह करवाई, देखो यहाँ पे यस, अब मजा आएगा ना भाई, एफिशिएंसी 5 के साथ एक एक पटाके मारने वाला इनको मैं, मर जाओ। इसने मुझे देखो यहाँ पर क्या दिया, एन्चेंटिंग टेबल ही दे दी भाई साहब। ओके और एक गोल्डन एप्पल दिया है विच इज नाइस, तो खाने का जुगाड़ तो हो चुका है, मैं इनकी इनफैक्ट और ब्रीडिंग करवा के रख देता हूँ, ठीक है, आई हैव अ गुड प्लान। अब इनको मारने से पहले क्यों ना मैं इन लोगों की अच्छे से ब्रीडिंग करवा देता हूँ, बहुत सारे है क्योंकि ये नहीं ऐसा नहीं करने का, खाना नहीं है, मारना नहीं, पूरी की पूरी इलाइट्रा। अरे भाई अभी तक आर्मर का एक पीस भी नहीं दिया है, इलाइट्रा पहले ही आ चुकी है, व्हाट द हेल मैन। अरे भैया आई एम सो इम्प्रेस्ड यार, ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो गया है। ठीक है और खिलाऊंगा तुम्हारे को मैं, तू खा ले इसको एंड तू खा ले इसको, शाबाश, पैदा कर लो एक और पैदा। अबे नहीं, ये मार देंगे इनको ऐसे ट्रॉपिकल फिशेज को यार, ट्रॉपिकल फिशेज को ऐसे खुला नहीं छोड़ना इनके पास, वापस आ मेरे ट्रॉपिकल फिश, मैं इनको ऐसा करके खिलाने वाला हूँ, शाबाश। इनकी जनसंख्या भी गाइस आगे बढ़ती रहेगी ना साथ साथ में, तभी देखो वहाँ पर एक बेचारी मैंने खुली छोड़ दी थी यार, इनके दरिंदे भाई ये लोग, तू भी खा ले शाबाश, एक और पैदा करो, ताकि जब मैं तुम लोगों को मारूं तो मेरे पास कभी ना हो जाए, बाहर नहीं निकलना भाई, कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलोगे तुम लोग, शाबाश। नहीं वापस आ, तू खा ले चंडाली का की बहन, और तू खा ले, ठीक है भाई, एक और छोटा सा पैदा करवाओ, शाबाश, वेरी वेरी नाइस। ओके नाउ इट्स किलिंग टाइम, बहुत बच्चे पैदा करवा दिए हैं मैंने, भाई क्या सेटिस्फेक्शन मिलती भाई, इन्होंने बहुत ही तगड़े चीजें, देखो यहाँ पे, अरे पूरी की पूरी बीकन ही दे दिए भाई साहब, मैं तो यहाँ पे बीकन वाले इफेक्ट्स लगवा सकता हूँ, तू भी जरा मार, यस, ओह माय गॉड, दिस इज सो ओवरपावर्ड ब्रो, सीरियसली, मुझे तुम लोग फटाफट आर्मर दे दो यार भाई, मैं निकलूंगा फिर यहाँ से यार। एफिशिएंसी 2 है, एफिशिएंसी 5 है, ओके इसको रख देते 2 मिनट के लिए, कैल्प दे दो, नेदरराइट दे दो भाई, पूरा का पूरा नेदरराइट चाहिए मेरे को। ओके इसके अलावा देखो यहाँ पर बहुत सारा मेरे को, ओ यस फाइनली जिसकी तलाश थी गाइस मिल चुका है। अभी देखो तुम लोग यहाँ पर क्या है, अनक्राफ्टेबल पोशन है ब्रो, ये पता नहीं कौन सा पोशन है, इसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, फायरवर्क्स मिल चुके हैं, ये है। भाई साहब ऐसा है, मैं जा रहा हूँ अभी एक बार उड़ने के लिए ऊपर।
ये एक्सेलोटर्स भाई जितनी क्यूट दिखने में है ना, ये उतने ही बड़े मर्डरस तो होते होते, बट भाई ये उतने ज्यादा ओपी भी है यार। ओके लेट्स डू वन थिंग गाइस, अभी इतना सारा जो ये माल पड़ा हुआ है ना गाइस, इस माल को रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं संभाल के। ओके इसको डबल चेस्ट बनाते हैं और इधर भी एक डबल चेस्ट लगाते हैं, सारा का सारा सामान अंदर रख देते हैं गाइस। और सिलेक्ट करने वाला हूं मैं इसके बाद कि कौन सा सामान मुझे चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। ऑलरेडी बहुत सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, सारा सामान उठाओ भाई, आई वांट सारा का सारा सामान। नो 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 नो, ये देखो भाई तेरी गलती रे भाई, ये ट्रॉपिकल फिश ने गलती से यहाँ छलांग मार दी साइड के लिए और अब तू मरने वाली है। That is my guarantee. I can't do anything. अगर तेरे को खुद ही सुसाइड करने का इतना मन है भाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। Like seriously bro. काई को जा रहे भाई ये लोग यार, पानी से आ रहे परे, क्या पागल है क्या ये। इधर मैंने ये लगाने वाला है प्रोटेक्टिव लेयर, तुम लोग अरे परे जा ही नहीं सकते हो ब्रो, यू आर नॉट अलाउड। हाल तुम्हें मर रहे हो जिससे मेरा नुकसान हो रहा है। ओके गाइज मैंने इनकी बहुत ज्यादा संतानें पैदा करवा दी ऑलरेडी, नाउ अगेन इट्स मर्डर टाइम, मर्डर टाइम, मरो मरो सर जी। इनफैक्ट अब मुझे जरूरत नहीं है गाइस, मुझे लग रहा है ये लोग मुझे इतने ही काफी है, मैं इनको मारने वाला हूँ। अब जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास सामान कम है तो मैं उनको बड़ा होने दूंगा, देन उनके बाद उनका ही मर्डर करेंगे। बट आई गेस इतनी एक्सेलेटर्स काफी है ब्रो, इनको मारो फटाफट, मारो इनको ऐसी की तैसी, मारो मारो। अब तुम लोग जितना भी मुझे सामान दोगे सारा का सारा मैं बाहर रखने वाला हूँ चेस्ट के अंदर, एंड देन मैं इन दी एंड चेक करने वाला हूँ कि क्या वो सही है कि नहीं है भाई। आई मीन उसमें से कितना सामान ऐसा जिसकी मुझे जरूरत है। ओके ओ माय गॉड, ए देखो भाई आप मेरे पीछे देखो गाइस कितना ओपी सामान पड़ा हुआ। ओ माय गॉड भाई क्या है ये, क्या है ये सब है, मेरी इन्वेंटरी देखो, यहाँ पर देखो भाई, एक्सेलेटर से इतना ज्यादा ओवर पावर सामान दे दिया कि भाई मेरे भाव बढ़ रहे हैं यार। आपके चने के झाड़ पे चढ़ोगे क्या मेरे को, ये थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया यार। ये देखो कितनी सारी नेदरराइट की चेस्ट प्लेट है, कितने सारे ये नेदरराइट की एक्स वगैरह, भाई साहब मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या रखूं और क्या नहीं रखूं यहाँ पे। ओके यहाँ पर है शल्कर बॉक्स, सबसे पहले शल्कर बॉक्स को निकालेंगे भैया नीचे। ओके और एक से ज्यादा शल्कर बॉक्सेस है, नाइस। सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पर बहुत ही केयरफुली देखने वाला कि मुझे किस किस चीज की जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है। डायमंड की एक्स में डेफिनेटली लेने वाला हूँ, टोटम ऑफ अनडाइंग में दो लेने वाला हूँ, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नेदरराइट की चेस्ट प्लेट में एक लेने वाला हूँ। अबे भाग जा यहाँ से, अभी टाइम नहीं मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का। ओ आई ऑफ एंडर भाई पूरी की पूरी 64 दे दी है, मतलब मेरी जो नेदर के अंदर जाने की ट्रिप पे गाइस जो पूरी पूरी बच चुकी है। अबे जाओ यार, जाओ यहाँ से तुम लोग, क्यों मेरा दिमाग कर रहे हो खराब, चले जाओ ना यहाँ से। अच्छा बेटा तो तुम लोगों को कॉम्पिटिशन चाहिए, ऊपर उड़ के मारूंगा, अभी इधर आ जा तू, काहे तेरी ऐसी की तैसी बकसूरत, भाग जाए ऐसे। काम कर रहा हूँ कुछ अभी मैं, इलाइट्रास तो भैया मैं भर के लेने वाला अपने साथ, इलाइट्रास द मोस्ट रेयर थिंग, तो जितने भी इलाइट्रास है सारे के सारे भरो, फायर रॉकेट्स भरने वाला हूँ मैं। और मैं सोच रहा हूँ इसको पहन के रखते हैं, इन लोगों ने यहाँ पर भाई हमले किए हुए मेरे ऊपर, यार क्या है भाई ये। ओके फटाफट अपने लिए मैं पूरा का पूरा एक ये बनाने वाला हूँ, डायमंड का आर्मर। ओके गाइस ये बन चुका है, फटाफट पहनो। ओके ऑल राइट अब मार के दिखा बेटा, अब मेरे को तो यहाँ पे चोट पहुंचा के दिखा, देगा आधा दिल भी नहीं गया, ये तेरी असली औकात, बेवकूफ कहीं का दिमाग की ऐसी की तैसी करती है। ओ माय गॉड ये वाली ज्यादा अच्छी है, मैं इसको लेने वाला हूँ अपने साथ। इसके अलावा मैं आई ऑफ एंडर्स लेने वाला हूँ अपने साथ, एमरल्ड्स की जरूरत नहीं है, होए की जरूरत नहीं है। ओके फेदर फॉलिंग 3 लगा हुआ है, और ओके आई हैव गॉट अ प्लान, यहाँ पर आयन वन पड़ा है क्या, यहाँ पर आयन भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। फटाफट अपने लिए मैं एक एनविल बनाता हूँ नीचे, और अपने जूते के ऊपर लगाने वाला फेदर फॉलिंग 3 विच इज अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा कुछ कुछ बुक्स के, ओ रिप्टाइड 3 भी है, अनब्रेकिंग 1। ओके मैं ये चाहता हूँ रिप्टाइड 3 लगाना, देखो गाइस अगर इसके ऊपर रिप्टाइड 3 लगा दूंगा ना तो ये सबसे बेस्ट बुक होने वाली है, बिकॉज हम लोग ऐसे करके उड़ सकते हैं हवा में, यस अब मजा आएगा इन फाइट में कसम से। और गाइस जितना काम का सामान निकाल सकता था सारा निकाल दिया, इन 5 शल्कर बॉक्सेस के अंदर मैंने सारा का सारा सामान भर दिया। बट अब जाने से पहले ऐसा करते हैं भैया, यहाँ पर बहुत सारी बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग्स पड़ी हुई है। ओके ये सारी की सारी अपने ऊपर मारते हैं, अपने लेवल्स बढ़ाए जाए एक बारी, अदरवाइज ये कंप्लीट वेस्ट है यार, है ना। ऑलराइट 30 लेवल्स क्रॉस हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर गाइस इतनी सारी बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी कि मुझे लगा कि पूरा एन्चेंटिंग सेटअप बनाया जाए। अपने नेदरराइट की चेस्ट प्लेट के ऊपर क्या आ सकता, थॉर्न्स 2 आ रहा है, आई गेस थॉर्न्स 2 इज गुड यार। इसके अलावा अपनी चड्डी पर देखते हैं, चड्डी पर क्या लग सकता है गाइस, चड्डी पर लगेगा प्रोटेक्शन, मतलब हमारी चड्डी और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, दैट्स नाइस। और हेलमेट पे देखते हैं भैया, हेलमेट हमें क्या दे सकता है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4, विच इज आई गेस गुड, मैं इसको भी लगा देने वाला, कोई टेंशन की बात नहीं ब्रो, मुझे एन्चेंटमेंट से फर्क नहीं पड़ता भाई, अपना जो आर्मर है पूरा पूरा चमकीला होना चाहिए, दैट्स इट। और इसके अलावा गाइस एक और चीज है, मेरे को यहाँ पे 2 नेदरराइट के इंगेट्स भी दे इन लोगों ने यार, इसको भी मैं बना दूंगा। अब दिक्कत सिर्फ ये
है कि मेरा कंप्लीट नेदरराइट नहीं बना, क्योंकि चप्पल नहीं है मेरी नेदरराइट की, पर चलता भाई कोई टेंशन ही नहीं है, इतने ओपी बन के उतना ही हमारे लिए काफी है। जाने से पहले मैं बस ये देखना चाहता हूँ स्प्लैश अनक्राफ्टेबल पोशन क्या है भाई, ये किया क्या इसने, कुछ भी नहीं किया इसने लिटरली, ये कुछ भी नहीं करता, ये ऐसी की तैसी इसकी। बस एक आखिरी चीज गाइस, एक डायमंड की तलवार बनाई जाए और इसको भी एंचेंट किया जाए, शार्पनेस 3, दिस इज नाइस। 24 लेवल्स मांग रहा, फटाफट अपने लेवल बढ़ाते गाइस और चलते हैं भाई यहां से अब स्ट्रॉन्ग होल्ड की खोज में। ऑलराइट सर जी, ये यहां जाएगा, मेरे लैपिस लाजुली सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, मारो भाई मजे। कोई बात नहीं भाई, अपने को जरूरत नहीं है, सारे के सारे शल्कर बॉक्सेस उठाओ एंड गाइस इट्स टाइम टू गो नाउ। अभी एंड के अंदर पहुंच कर इतना धूम मचाना ना मैंने कि क्या ही बोलूं। एंड गाइस मैं सोच रहा हूं यार एक और चीज, अब इन एक्सोलॉटल्स हमें इतना ज्यादा ओपी बनाया कि भाई मेरा फर्ज बनता है ना यार इन लोगों का एंडर ड्रैगन दिखाना, चलो मेरे साथ तुम लोग इसीलिए सबके सबको मैं ना एंड के अंदर लेके जाऊंगा और एंडर ड्रैगन के दर्शन करवाऊंगा तुम लोगों को, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, तुमने मुझे इतना ओपी बनाया ना। और गाइस इलाइट्रा को पहना जाए, अपने फायर रॉकेट्स को नीचे निकाला जाए और उड़ के चला जाए स्ट्रांग होल्ड के लिए। ऑलराइट लेट्स सी किस डायरेक्शन में आ रहा है, पीछे के लिए आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, चलो सर जी इस डायरेक्शन में चलते हैं। लैंडिंग इगर भैया ऐसा है, जमीन पे खड़े होके फेंकते हैं बिकॉज दिस इज अ गुड थिंग, ओके, हवा में मुझे डायरेक्शन का एक्चुअल में पता नहीं चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और अभी मैं उड़ के जा सकता हूँ यहाँ से, लेट्स गो। अनदर स्टॉप, हट, ओह डायरेक्शन चेंज होगी इसकी, नजदीक है गाइस, बहुत नजदीक है। ओके एक आखिरी चीज है गाइस जिसकी जरूरत है अपने को, जो कि खाना, खाना नहीं है मेरे पास, अबे जा पकौड़े, खाना निकाल के रखते भैया, एंड फाइट में काम ही आएगा अपने। पीछू के लिए जा रहा है गाइस, ओके हम लोगों ने ऑलरेडी इसका मतलब क्रॉस कर दिया, यहाँ से नीचे है वो कहीं पे, इधर कहीं हो सकता है, ओके पीछे को जा रहा है, यहाँ से नीचे गाइस, यहाँ से नीचे डेफिनेटली, दैट इज माय गारंटी, यहाँ से नीचे है। अब मेरे पास शवल नहीं है पड़ी हुई, मैं ऐसे खोद के जाने वाला, कोई चक्कर नहीं है। ओके 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 आगे 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 आ गया सर जी, आ गया आ गया, आ चुका है, लग गया है पता, रुक जाओ मत मार मेरे को यार, मैं खाना ही खा लेता हूँ एक बारी। यस ये है गाइस हमारा स्ट्रांग होल्ड। ऑलराइट फाइनली वी आर इन। अभी थोड़ा प्यार से चल भाई, स्मार्टी भाई व्हाट आर यू डूइंग यार, मतलब पहले ही मरना है क्या, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। ओ हेलो, नाइस टू मीट यू, देखो एक भी नहीं लगा था, कोई बात नहीं भाई, इतने ले 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 सारे के सारे फेंक दूंगा, ले ले यार खुश रहे, इतने सारे पड़े हुए एक्स्ट्रा मेरे पास, क्या टेंशन की बात है। यस ऑन हो चुका है, और तुम लोग यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऑलराइट गाइस अपने इनको मैं नीचे निकालने वाला हूँ, एंचेंटेड गोल्डन एप्पल को, वाटर रॉकेट नीचे रहेगा, इसको ऊपर निकाल के रखते हैं, आई मीन अपनी लाइटर को ऊपर पहन के रखते हैं, आई थिंक वी आर रेडी टू गो। चलो सर जी भीतर, लेट्स गो। ये क्या हुआ ये भाई, ये कुछ स्कैम हो गया था मेरे साथ, अभी मैं अंदर आते ही नीचे कैसे गिरने लग गया था। एक सेकंड, पहली बात तो ये हवा में है और ऊपर से मैं कंफ्यूज हो गया था, एक सेकंड के लिए नीचे गिरता हूँ मैं, दिखा यहाँ पे, अगर मेरे पास ये लाइटर नहीं होती मैं तो पहले ही मर जाता, ये क्या मजा आके भाई, ऐसा कौन करता है यार, हैं ये तो गलत बात नहीं है। ओके भैया ऐसा है मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है, मैं इसी के साथ इसको फोड़ने वाला हूँ। यस अब इलाइट्रा है मेरे पास भाई, तो मैं पूरा फायदा उठाऊंगा मैं इलाइट्रा का, बड़े आराम आराम से यहाँ पर जाएंगे शाबाश, और इसको यूं लगाएंगे और इसको फोड़ेंगे, और अभी मैं इसका इस्तेमाल करने वाला, एक्चुअली इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, विच इज एक्चुअली बेटर, मेरे को एक्चुअली ये ज्यादा बेटर लगता है अपने भागने के लिए। ओके यार मैं अपने ब्लॉक लेकर क्यों नहीं आया हूँ यार, कितना अजीब इंसान हूँ मैं। और ओके मैं एक बार यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं है, और अपने लिए ब्लॉक्स निकालने वाला हूँ। चलो I have a plan। ओए मरियो मत, मरने वालों में क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ एक बहुत ही मस्त चीज पड़ी हुई है, वेयर इज दैट थिंग, ये है ना यहाँ पे, शाबाश इसको खोलेंगे गाइस, एक स्टैक इसका निकालने वाला हूँ मैं। ओके एंड यहाँ पर बहुत सारे डॉगीज को स्पॉन करने वाला अभी देखो तुम लोग यहाँ पर क्या करने वाला, डॉगीज जाओ मत कहीं पे प्लीज, ओके समझ में आ रही बात, इधर आओ, ले तेरे को मैं अपना बनाने वाला हूँ, तुम सभी के सभी को मैं अपना बनाने वाला हूँ। अब एक्सोलॉटल ने इतनी मस्त चीज मुझे दी है भाई, तो इसका फायदा उठाया जाए ना यार, फायदा क्या नहीं, तो आ जा इधर, शाबा मिला दमगू दमगू, पूरी की पूरी फौज होगी यहाँ पे, बस तुम लोगों ने सिर्फ एंडर ड्रैगन से लड़ने में जाना, मार देगा तुम लोगों को, आ जाओ साइड आ जाओ, इसने वो बास तो नहीं छोड़ दी भाई, मरना स्टार्ट कर देंगे मेरे डॉगीज यार। अबे छोटे छोटे कुत्ते नहीं चाहिए थे मेरे को बड़े चाहिए थे सिर्फ। यू नो व्हाट गाइस, फटाफट मेरे को अपनी ना पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे अभी, बिकॉज अगर अभी बास छोड़ दिया ना एंडर ड्रैगन ने यहाँ पे ना, तो मर जाएंगे कुत्ते। शाबाश आ जाओ मेरे डॉगियो, ओके बास छोड़ दिया, भागो 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 भागो, शाबा मिला डॉगी डॉगू। अभी देखो भाई सारे डॉगीज को गाइस गुस्सा आ चुका है, बिकॉज एंडर ड्रैगन ने मेरे पर बास छोड़ी है इसीलिए। आ जाओ शाबाश मेरे कुत्ता लोग, तुम लोग मेरी प्राउड से, नहीं नहीं चलो 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 प्लीज प्लीज प्लीज, मत 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 प्लीज,
साइड आ जाना। अबे गलती कर दी, लोगों को पैदा करवा के दिमाग नहीं है क्या इनके अंदर है? And first things first guys, मेरे कोल मैंने कहाँ पर रखे होंगे? I have no idea. खाना पकाना है मेरे को अभी। नहीं, मेरे कुत्ते लोग मर रहे हैं एक्चुअली। ओके, मेरे कुत्ते ना एक्चुअली इसके ऊपर हमला कर रहे हैं गाइस, लेकिन इनके ना हमला करने का फायदा नहीं हो रहा है बिकॉज ये सारे के सारे टावर मैंने फोड़े नहीं अभी तक। मैं खाने वाला गोल्डन एनचेंटेड एप्पल अभी और इसी वक्त, बाकी सब कुछ भाड़ में जाए। ओके कुत्ता लोग मेरे पीछे मत आना, तुम लोग ने भी बिल्कुल पीछे आने की जरूरत नहीं है। ओके मैं भी अपना काम खत्म करके आने वाला हूँ, बिल्कुल मेरे पीछे मरना मत प्लीज, तुम लोगों ने मरना मत अभी कुछ पूछा। अच्छा अभी मैंने यहाँ पर गोल्डन एनचेंटेड एप्पल खाया ना भाई, मैं अभी अभी आसानी के साथ फाड़ सकता हूँ सभी के सभी को। ओके मेरी हंगर बार जा रही, सिर्फ गोल्डन एप्पल खाओ उसके लिए, तुम लोग खड़े हो जाओ। ओके डॉगीज 2 मिनट मेरा इंतजार करना। तुम लोग पहले ऊपर पहुंच गए, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है भाई। ओके अभी मैं उड़ के जाएगा आगे के लिए। नो मैं नीचे गिर गया हूं। एमएलजी गॉड है भाई तुम्हारा भाई। चलो भाई साहब, मेरे कुत्ते ना बहुत मर रहे हैं यार, मेरे कुत्ते बहुत ज्यादा मर रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी करके इसको फोड़ना पड़ेगा ऊपर। ईस्टर्न ड्रैगन ने लिटरली बहुत कुत्ते मार दिए मेरे यार, मुझे फटाफट ये करना पड़ेगा। फट जा तू भी। नहीं एक और कुत्ता मैंने ही मार दिया अपना, सॉरी डोमगी। मैं एक्चुअली तुम्हें मारना नहीं चाहता यार, तुम लोग अब रास्ते में हो तो मैं क्या करूं है? एक आधे को तो मरना ही पड़ेगा तुम्हें से यार, कसम से, अदरवाइज बाकियों को नहीं बचा पाऊंगा। लेट्स गो अगेन। होने वाला, कोई बात नहीं, अभी थोड़े बहुत और डॉगीज मर सकते हैं यहाँ पर मेरे, बट सिर्फ 2 बच्चे, इनफैक्ट 3 बच्चे सिर्फ बचे गाइस, दैट्स इट। मेरे डॉगीज थोड़ा सा इंतजार करो, ये बहुत ज्यादा हाइट हो गई है। लेट्स गो। ओके चल, शाबाश। यस, कोई बात नहीं, इसको मैं फोड़ेगा और बचेगा खुद भी। ओ माय गॉड, मैं मरने वाला हूं। चलो, खाओ, गोल्डन एप्पल खाओ। यस, ओके दैट वाज गुड। 2 टावर बचे सिर्फ, इतना मेरा काम हो जाएगा। चल बेटे यहाँ से ऊपर चुपचाप से, बड़े ही आराम से लैश को ही फोड़ दूंगा, कोई चक्कर नहीं। अब एक आखिरी बच्चा है वो जो उसके अंदर है, दैट्स इट, उसको तो मैं ऐसे ही फोड़ दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है। अरे बदसूरत है ना ड्रैगन, तूने मेरे इतने डॉगियों को मार दिया कि मेरा दिमाग की दही हो चुकी है अभी भाई। कमन आखिरी है, कमन स्मार्टी पाए। ये फटा कि नहीं फटा आंटी जी? आप बोल, अब कराऊंगा गाइस अपने डॉगीज को ना। अब एटलीस्ट अगर डॉगीज इस पे हमला करेंगे तो इसकी हेल्थ जाने वाली है, मतलब ये है मेन चीज बोलने की। आ जाओ डॉगीज, फटाफट स्पॉन हो जाओ आसपास। ओके एंड फटाफट यहाँ पर मैं तुम लोगों को पटाने वाला हूँ, जितने ज्यादा को पटा सकता हूँ। कमान फास्ट। ए छोटे वाला, तुम छोटे छोटे आ रहे हो यार, इन छोटे छोटे का क्या करूं मैं, कोई बताएगा मेरे को? छपा मेरे डॉगियों, ऐसा हमला कर रहे इस बदसूरत के ऊपर जिसकी 7 पुश्ते भी कहाँ पे स्मार्टी पाई के नाम से। इसको पता होना चाहिए स्मार्टी पाई के डॉगीज कितने ज्यादा ओपी है। अब मजे मारो भाई। ओके लो, मैंने वादा किया था, मैंने अपना वादा निभा दिया है। सारी की सारी एक्सोलॉटल्स को पानी के अंदर डाल दिया मैंने गाइस, दैट्स इट, दैट वाज माय वादा, एंड हो गया मेरा वादा पूरा। अब इस एंडर ड्रैगन को मारने का समय आ चुका है। आज आप तू नीचे आते हो थोड़ा करके, तेरे को बताता हूँ मैं। शाबा मेरे डॉगीज, तुम लोग मेरे साथ रहना, तुम लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। आउची कमन डॉगीज, तुम लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए, मुझे मारने के लिए आएगी अभी। ओके मैं एक चीज और करने वाला अभी, शल का बॉक्स नीचे निकालो, मेरा कोल कहाँ पर है फटाफट ढूंढो। और ये रहा मेरा कोल यहाँ पे, लेट्स गो, बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ मेरे डॉगीज मेरे साथ, इधर मैं इसको पकाने के लिए लगा देता हूँ। यस मेरे डॉगीज एक्चुअली कितने ओवर पावर्ड है मैं देखना चाहता हूँ गाइस। देखो अगर इसका हमला करूंगा तो लेट्स सी, मारा इसको, शाबाश। ये देखो भाई, अरे भाई साहब, टच भी करने नहीं दिया इन्होंने इस एंडरमैन को मुझे। ओपी है भाई, इसको बोलते हैं ओपी, लाइक एक्चुअल वाला ओपी बोलते हैं इसको। और गाइस बहुत मस्ती हो चुकी है, अब समय है इसको मारने का। मैं इसको नीचे निकाल के इसको पहन लेता हूं, प्रोटेक्शन 3 है क्योंकि इस पे लगा हुआ। कम ऑन एंडर ड्रैगन नीचे आ, वो एन एरो लेकर आता ना गलती से, मैं तो ज्यादा मजा आता मेरे को यार। नहीं मेरे डॉगीज मर रहे हैं, नहीं, मत मार कमीनी आंटी, मेरे डॉगीज को मत मार, तेरी ऐसी की तैसी। ओके इस पे लॉयल्टी 1 लगा हुआ है, बट मैं अपने सब एनविल लेकर नहीं आया हूं मैं, बट मेरे पास आयरन बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। लेट्स गो, आई हैव टू डू 1 थिंग, इसको थोड़ा बहुत डैमेज देने का जुगाड़ करना ही पड़ेगा मेरे को अभी। ओके सो आई एम गोइंग टू डू 1 थिंग गाइस, एक एनविल नीचे निकाल कर यहाँ पर इंपेलिंग को ऊपर डालकर इसमें डालने वाला हूँ मैं लॉयल्टी, दैट्स इट, ताकि वापस आए। अरे बेटा पढ़ने स्टार्ट हो गए इसको। यस, तूने मेरे इतने डॉगीज को मारा कि तेरे को मैं छड्डेगा नहीं, मैं तेरे को। कहाँ जा रही है? हाँ, अभी जा नहीं रही है, पटाक्का देखो अभी क्या पड़ा इसको। आजा, तेरी ऐसी की तैसी पड़ा शॉट आंटी को, मजा आया तेरे को बदसूरत, आया मजा? ए बच गई, ये वाला एक बहुत ही एपिक हो रहा था यार। अरे मेरे डॉगीज बाप रे, उई उई क्यों कर रहे हो तुम लोग यार, क्या हो गया? तुम लोगों को मेरी बहुत फिक्र है क्या? मुझे पता है यार, इसको मारना बहुत जरूरी है, बच रही है ये मेरे ट्राइडेंट से यार, कसम से। शाबाश मेरे डॉगीज, तुम लोग मेरे पास हो सारे के सारे। ओके आई नो यू गाइस लव मी, मैं तुम लोगों के लिए इसको मारने वाला हूं, नॉट इवन जोकिंग मैन। मेरा एक और डॉगी, मेरे 2-3 डॉगीज मार दिए इसने फिर से यार।
ये बहुत ही कमीनी आंटी है यार कसम से। ओके मैं अपने सारे डॉगीज को ऐसे एक जगह पर इकट्ठा करना चाहता हूँ। मारो 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 शाबा डॉगीज, मारो मारो इसको, मेरे पास पहुँचने मत दो इसको तुम लोग। मेरे डॉगीज यहाँ पर इससे मर रहे हैं। नहीं, यस थैंक यू। उफ़, ये ड्रैगनी की बास बहुत खतरनाक है। हमारे डॉगीज इस बास को गाइस झेल नहीं पाते, बहुत जल्दी मर जाते बेचारे। इतने इनोसेंट होते हैं ब्रो ये डॉगीज, ना क्या ही बोलूं। ए पड़ा पिछवाड़े पे तेरे बेटी, ए पड़ा एक और तेरे पिछवाड़े पे। अब देखो इसको खत्म करना मैंने गाइस। नहीं डॉगीज इसके मुंह के सामने मत जाओ प्लीज, मुंह के पास मत जाओ इसके, ये तुम लोग ऐसी मार देगी नहीं तो। घटिया ही है ये पड़ा भाई, इसको मैं डैमेज तो कर रहा हूँ अच्छा खासा। ओ माय गॉड, उड़ा दिया इसने मेरे को। ओके इसको नीचे निकालो और हवा में उड़ जाओ। व्हाट अ क्लच ब्रो, बिकॉज़ ना मेरी पानी की बकेट नीचे नहीं थी मेरे हाथ में, मैंने बेवकूफी कर दी थी अभी सच्ची में, मर जाता अभी नहीं तो। ओ यह स्मार्टी बाय को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, खासकर तेरे लिए तो, तू तो कभी भी नहीं मार सकती समझी चच्ची। नीचे वुल्फ फेल फ्रॉम हाई प्लेस, इसने हवा में उड़ा दिया मेरे डॉगी को यार, ऐसी की तैसी इसकी। बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी है, खत्म है भी ये, खत्म खत्म खत्म, दिस वॉज योर लास्ट राउंड बेबी, यू आर डेड। ओके थोड़ी सी रागी था गैस, इतना तो मैं ट्राइडेंट से ही मार दूंगा इसको। What an epic shot man, trident से मारा मैंने इसको बीच हवा में, वो भी, और दो golden apple अभी भी खड़े हैं हवा में। Yes to all my doggies, this was for you। I think ये अकेला बचा नहीं, वहाँ पर बहुत से doggies और बचे हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है भाई मेरी, है ना, सिर्फ इस doggie को परवाह थी मेरी। ओह मेरा प्यारा प्यारा doggie, और मुझसे पहले end portal के अंदर भी चला गया वो यार। So guys बहुत ज्यादा मजा आया यार इस चैलेंज में कसम से यार। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, इस वीडियो का लाइक एम वही 150,000 लाइक्स, और मैं आप लोगों के साथ सिद्धार्थ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम। Bye-bye.